आज फूड मेरी दिल्ली आई हुई है बिहारी लिट्टी वाला पे, और जो यहाँ पे भैया है मात्र 22 साल की एज में यहाँ पे कार्ड चला रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया और इनकी लिट्टी चोखा टेस्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते मैम, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? संजीव कुमार मैम, मुझे तो यहाँ करीब 4 महीने हो गए। इससे पहले मैं पटना में लिट्टी बेचता था, 3-4 महीने आदर्श नगर में मोमो बेचा, उसके बाद यहाँ शुरुआत करी। मोमोज मैम वहाँ मैं काम करता था मैम, वहाँ जी खुद सीखा, यहाँ पे नहीं जैसे बिहार में बनाते थे अपना। 22 साल मैम। देखिए मैम, लोगों को करना चाहिए, इसी तरह आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हम लोग अगर यही एक एज होता है जो हम बिगड़े या संभले या कुछ करें, ये 20 साल 30 साल की एज जो है बहुत खतरनाक है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं या बिगड़ भी सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलो 5-7 साल से सीख रहे हैं, इसी को कुछ नए तरीके से ट्राई किया जाए। मैम यहाँ 30 रुपये प्लेट है 2 पीस जी, देसी घी में डिप करके खिलाते हैं और कोई भी खा सकते हैं। लिट्टी अपना बहुत ही सॉफ्ट बनता है मैम। मैम इसमें ये आलू बैंगन टमाटर का चोखा है, ये मूंगफली सरसों नारियल की चटनी है, ये सैलेड है, ये धनिया पुदीना की चटनी है, और ये घी में डिप करके हम लोग देते हैं। इसमें मैम कोई भी आपको हानिकारक चीज़ नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट यूज किए गए हैं, जीरा जमाइन गोलकी मंगरेला सत्तू आटा, ये सब के सब पाचक आइटम है। इसमें कोई आपको मतलब ये नुकसान दे नहीं है। जी जी, पूरे भारत में इसको छाना है। आगे मैम यही मिशन है कि हमारे अभी 1 से 2 हुए हैं, 2 से 4 हो, 4 से 8 हो, हमने अभी 4 लोगों को रोजगार दिए हैं, आगे चल के 10 लोगों को रोजगार दे। ये क्या होती है? आटा है। ये चने का सत्तू है। चने का सत्तू रहता है, इसमें मसाले डालते हो? मसाले डालते हैं। तो लिट्टी कैसे बनाई जाती है दिखाइए। तो ये देखिए आप, चने का जो सत्तू है वो इसमें भर दिया है लिट्टी में, तो ये भी लिट्टी बन चुकी है। और इसे देखिए आप, प्रेस कर दिया दोनों हाथों से और यहाँ पे रख दिया है, टिकड़ी में यहाँ पे रख दिया है। तो ये देख सकते हो किस तरीके से लिट्टी को यहाँ पे सेका जा रहा है और पलटी जा रही है। यहाँ पे जो लिट्टी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये रहता है यहाँ पे मदर डेयरी का देसी घी। तो यहाँ पे देसी घी में लिट्टी मिलेगी मात्र 35 रुपए में, 30 रुपए में। तो ये देखिए आप, 2 लिट्टी हमारी आ चुकी है और किस तरीके से यहाँ पे देसी घी में डिप हो रही है, तो ये देख सकते हो आप। और यहाँ पे प्लेट लगाई जा रही है। तो बैंगन की सब्जी, बैंगन टमाटर की सब्जी है चोखा, और घर पे भी बोले जाते हैं। जी जी जी, ये बिहार में बहुत पसंद करते हैं जी। ये सलाद है, खीरा प्याज है, और ये धनिया पुदीना की चटनी है, और जो डिप लिट्टी है वो यहाँ पे रखा जा रहा है प्लेट में। लिट्टी चोखा की प्लेट यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है, तो चलिए इसे हम टेस्ट करते हैं। बिहारी लिट्टी वाला पे मेरे पास इनकी लिट्टी चोखा की प्लेट लग चुकी है, जो कि आपने देखा है कितनी सारी चीजें इसमें दी है इन्होंने। तो जो कि इस प्लेट का प्राइस रहता है मात्र 30 रुपए रहता है। उसमें आप देख सकते हो कि देसी घी में डिप्ड यहाँ पे 2 लिट्टियाँ रहती है, इसके साथ ये रहती है आलू बैंगन की सब्जी और टमाटर की सब्जी, और ये रहती है इनकी चटनी नारियल वाली, और ये रहती है हरी धनिया की चटनी, और उसके साथ रहता है सैलड। तो ये देख सकते हो आप कि कैसे इसे लिट्टी पे सत्तू भरा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा पतली पतली लिट्टी है, बहुत मोटी लिट्टी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है मेरे को। और मैं लूँगी इसे आलू बैंगन की सब्जी के साथ, और मैं थोड़ी सी लूँगी नारियल वाली चटनी। लिट्टी है अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, तो जो इसकी एक बाइट आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रही है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा आटा आटा खा लिया हो, तो इसमें सत्तू का फ्लेवर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। और बात कर ली जाए बैंगन की सब्जी की, तो इसमें लहसुन का इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेवर रहता ही है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लेवर लगे लहसुन का, तो बिल्कुल मॉडरेट है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो बिल्कुल बैलेंस है इसमें लहसुन का फ्लेवर। तो नारियल और सरसों की जो चटनी है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिहार में खड़े होके ही मैं ये लिट्टी चोखा की प्लेट खा रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है। तो एक बार आप यहाँ पे आएँ और बिहारी लिट्टी वाला पे इनकी लिट्टी ज़रूर ट्राई करें, देसी घी की लिट्टी बनाती है। एड्रेस मैम मुखर्जी नगर, ये बैतरा सिनेमा के बैक साइड में श्रीमान चाय वाला है, उसके बगल में अपना काउंटर है। टाइमिंग सुबह 11 से रात 10। जी जी, 7 डेज हो। तो दिल्ली है दिलवालों की और फूड मेरी दिल्ली है खाने वालों की। तो जल्दी से मैं यहाँ पे लिट्टी चोखा की प्लेट को फिनिश करती हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।